रविवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर में समग्र विकास की रूपरेखा बनाई जा रही है। परिसर में अतिक्रमण पर आज प्रशासन का बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। शनिवार को विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सरकारी जमीन पर काबिज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। SDM CP पटेल ने बताया कि मेला ग्राउंड और चौराहे के आसपास बड़ी संख्या में लोगों ने अस्थायी दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान परेशानी होती है। मंदिर के सौंदर्यीकरण और लोगों की समस्याओं को देखते हुए मेला ग्राउंड और मुख्य सड़क के दोनों ओर से अस्थायी अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते आज रविवार को अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई गई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर, जो अतिक्रमण की आज कार्रवाई की गई है कुंडेश्वर में, कितनी दुकानें और अब मकान तोड़े गए? लगभग 70 दुकानें हैं जो शासकीय भूमि पर पहले से अतिक्रमण करके दुकान बनाए हुए थे। अब चूँकि यहाँ पर ब्रिज भी बन रहा है और बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में मैदान की आवश्यकता थी, तो जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए PWD के पत्र के अनुसार हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में कार्रवाई की। कब तक ये कार्रवाई जारी? अब ये तो पूरा चल रहा है यहाँ से और नदी के पास तक जितना भी अतिक्रमण है। विकास कार्य के लिए जन सुविधाओं और सबके विकास के लिए दुकानदार अपना सामान उठा रहे थे, क्या लोगों को पहले से सूचित नहीं किया गया या नोटिस? नहीं, लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही इनको सूचित कर दिया गया था और अभी विगत 3-4 दिनों से लगातार रोज डिग्गी पटवा करके उनको बोला गया था, फिर भी अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं कर पाते हैं। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई के संबंध में कल से ही हमने तैयारी चालू कर दी थी। लगभग 80 से ज़्यादा पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, थानों के TI मौजूद हैं और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। अब तक शांति व्यवस्था है, लोग भी सहयोग कर रहे हैं और बहुत काम जो है सफलता और शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।